तो मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पैन कार्ड का नंबर डाला हुआ है और ये पैन कार्ड नंबर जो है ये मेरी वाइफ का है और वो किसी तरह से कोई भी काम नहीं करती है, मतलब जॉब नहीं करती है। और यहाँ पे टू स्टेप ही है, पहला कि अपना पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर को डालना है, दूसरा जो है इसका पैन कार्ड के ऊपर में जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है, एंड देन तीसरा जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि करंट का जो एड्रेस है, यानी कि अभी आप प्रेजेंट में कहाँ हो, तो यहाँ पे करंट एड्रेस जो है उसका पिन कोड यहाँ पे डालना है। एंड देन नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पे वो है कि आपको अपनी सैलरी का जो है वो डिटेल डालना है, जैसे कि मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और एक चीज़ और भी बता दूँ मैं यहाँ पे बैक जाके, यहाँ पे ये टिक मार्क जो है देख पा रहे हो ये ग्रीन हुआ है, ग्रीन होना चाहिए, ये पिन कोड भी ग्रीन यहाँ पे टिक मार्क होना चाहिए। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सैलरी है और यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय है। अगर आप सैलरी पे क्लिक किए हो तो आपको मंथली यहाँ पे इनकम को दिखाना है, ये ना था कि आपको प्रूफ करना है, मतलब कि कोई बैंक का स्टेटमेंट नहीं है, कोई यहाँ पे आपको आईटीआर नहीं दिखाना है, किस तरह से कोई सिबिल स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको यहाँ पे भर देना है। तो मिनिमम जो मैंने 25,000 रुपये भरा है वो आप यहाँ पे अभी यहाँ पे भर दीजिएगा, इतना ही है। उसके बाद आगे जो है गेट लोन ऑफर पे क्लिक करेंगे, जो आप यहाँ पे दे पा रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लाइव डेमो यहाँ पे दिखाता हूँ, सब कुछ होगा जो आपने देखा है कि टू स्टेप यहाँ पे है, तीसरा कोई स्टेप है ही नहीं, ना तो आपको कोई फ़ोटो खींचना है, ना ही आधार कार्ड के पैन कार्ड के फ़ोटो को खींच करके अपलोड करना है, सिर्फ यहाँ पे पैन कार्ड लग रहा है। अगर यहाँ पे एलिजिबल अगर हो जाते हो तो आगे में आपको आधार कार्ड भी लगेगा। वीडियो में ध्यान से देखिएगा, एप्लीकेशन का नाम क्या है ये पूछने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे स्क्रीन पे बिल्कुल लाइव एप्लीकेशन का नाम बताएंगे। वीडियो शुरू करता हूँ उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस चैनल के आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे जाए और आप जो है अपनी नेट के हिसाब से वीडियो को देख सके। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन डाउट वैसे क्या है भाई, देखिए यहाँ पे जो आपका नाम स्पेलिंग डेट ऑफ बर्थ है पैन कार्ड आधार कार्ड में सेम होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए, आपके आधार कार्ड में एज जो है आपको 18 प्लस होना चाहिए और आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर आपके पास या किसी और फोन पे होना चाहिए, ताकि वो ओटीपी आए और ये वेरीफाई हो जाए, बाकी और कुछ भी यहाँ पे करना नहीं है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, मैं वही एप्लीकेशन यहाँ पे आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ जो कि यस्टरडे और बहुत बार मैं लोगों को सजेस्ट किया हूँ, यहाँ पे सिर्फ फिल ही करना है और ना तक यहाँ पे प्रूफ करना है, सही है। यहाँ पे मैं अभी बैग जाता हूँ और प्ले स्टोर पे इसकी जो रेटिंग है आप यहाँ पे देख पा रहे हो 4.4 की रेटिंग है, मतलब बहुत अच्छी रेटिंग है। अगर मैं यहाँ पे डाउनलोडिंग की बात करूँ वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रेटिंग की बात करूँ तो देख लीजिए 4.4 की रेटिंग है, लेकिन बहुत ही अच्छा रेटिंग है और लोगों की अभी तक देख लीजिए 64T मतलब के लोगों की यहाँ पे जो है रिव्यू है और रिव्यू भी अच्छा है, 5 स्टार रेटिंग लोगों ने रिव्यू दिया है, 3 स्टार है, सिंगल स्टार है। इस एप्लीकेशन में एक ही प्रॉब्लम है, जितना ईजी आपको लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस दिख रहा है इसमें एक चीज प्रॉब्लम है, अगर किसी भी एप्लीकेशन से ओवरड्यू चल रहा है या किसी और एप्लीकेशन ने अगर रिजेक्ट किया है तो यहाँ भी चांसेस होगा कि रिजेक्ट करता है। ये मैंने अपने आप से मैंने नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया था उसके बाद ही बोल रहा हूँ, मतलब अगर आपके ऊपर ओवरड्यू चल रहा है तो यहाँ से रिजेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोडिंग आप देख लीजिए 10 लाख प्लस इसकी डाउनलोडिंग है। ओके, अगर मैं इसके एप्लीकेशन के नाम की बात करूँ तो आप देख लीजिए यहाँ पे माई शुभ लाइव एप्लीकेशन का नाम है, और मैं इसके अबाउट में अगर जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख लीजिए अबाउट में यहाँ पे कह रहा है कि भाई 3,000 से लेकर के 2 लाख रुपीज तक यहाँ पे जो लोन है वो आपको ये प्रोवाइड करता है। पर्सनल लोन की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई पे लेटर या कोई बिजनेस लोन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ELSS और यहाँ पे गोल्ड लोन, यहाँ पे टैक्स फाइलिंग, बिल पेमेंट और भी बहुत सारे, मतलब यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे इसमें आप चालू कर सकते हैं, लेकिन वो हम बात नहीं करेंगे। NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, इनके इतने सारे लेंडिंग पार्टनर हैं और जितने भी लेंडिंग पार्टनर हैं दे आर वेरी इंस्टेंट एक्शन लेते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना, अगर यहाँ से लोन मिलता है एकदम बिल्कुल ऑन टाइम पेमेंट करें या टाइम से पहले पेमेंट करें, सही है, जिस दिन का डेट है उस दिन कर दीजिए, नहीं तो पहले कीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत ही ख़राब है। यहाँ जो ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ये भाई सेम डे में करोगे तो भी ये लोग एक्शन लेता है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बता सकूँ जो मुझे याद आ रहा है। तो यहाँ पे अगर लोन मिलता है तो टाइम से एक दिन पहले ही भाई पेमेंट कर दीजिए, सही है, किसी तरह से कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं लगता है। चलिए मैं यहाँ पे ये जो है देख पा रहे हो, उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ऑलरेडी मुझे लोन मिला था इससे पहले, और मैं यहाँ पे एक काम करते यहाँ पे मैं बैक जा करके
इसे मैं अपना वाला जो मेरा पैन कार्ड है वो मैं डाल देता हूँ इस बार। ये मेरा पैन कार्ड है और मेरा ही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है और यहाँ पे मेरे एरिया का जो पिन है वो अभी जो प्रेजेंट में जो है 76004। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मंथली 25,000, यहाँ पे कंपनी का नाम जो है वो मैं यहाँ पे चेंज करके अपलोड ऐड कर देता हूँ। आप भी यहाँ पे कट करके यहाँ पे APP मैं यहाँ पे अगर लिखेगा तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे कंपनी के नाम खुद से ये सजेस्ट कर रहा है। ओके, तो आप यहां पे देख लीजिए। देख पा रहे यहां पे अपोलो टायर यहां पे LTD में डाल देता हूं, यहां पे आ जाएगा। ओके, जो भी आप कंपनी नाम डालोगे यहां पे आएगा, देख लीजिए। देख पा रहे हैं यहां पे, तो चलिए मैं यहां पे एक ये इसे मैं क्लिक करता हूं। कोई भी डालना है, ऐसा प्रूफ नहीं करना है। उसके बाद यहां पे एक्सपीरियंस है वो यहां पे थोड़ा सा बढ़ा देता है मैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे गेट लोन ऑफर पे मैं क्लिक करता हूँ। ऑलरेडी बहुत बार मुझे यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल, फिलहाल मुझे तो अभी नोट कर दिया, क्योंकि इससे पहले मैं अपने दूसरे चैनल पर जब वीडियो बनाया था तो उसी टाइम मुझे जो है यहाँ पे 5,000 का मुझे जो लिमिट मिला था मैंने वो लोन लिया नहीं था, तो शायद इसलिए जो है अभी रिजेक्ट कर रहा है। और मेरी वाइफ को भी ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है, क्योंकि मैंने ये लेकर के मैं एक बार आर्टिकल पोस्ट लिखा था उसमें भी मैंने दिया हुआ था। तो यहाँ पे कस्टमर का सपोर्ट है जो आप यहाँ पे दे पा रहे हो, और यहाँ पे आप जो है इनसे 24/7 टाइम चैट कर सकते हैं। मैं बैक यहाँ पे बिल्कुल चला जाता हूँ, बिल्कुल डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। ये एप्लीकेशन का डैशबोर्ड है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है पर्सनल लोन, बाकी और भी बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। पर्सनल लोन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सीधे यहाँ पे आपको अप्लाई करने का देख पा रहे प्रोसेस यहाँ पे आ रहा है। थ्री लाइन पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ट्राई कर लीजिए, अगर यहाँ से नहीं मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने और भी लिंक्स दिए हुए हैं, जो एप्लीकेशन जो है बेस्ट परफॉर्मेंस है इंडिया के लिए बिना किसी इनकम प्रूफ के। अगर आपके 10,000 मिनिमम जो है इनकम के सोर्सेस है मंथली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो उसके लिए आपको 600 सिविल स्कोर होना चाहिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जहाँ पर अप टू 5 लाख रुपये तक लोन मिलेगा। और मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया है जहाँ पे 1.5 लाख रुपये तक का लोन मल्ली KYC के बेस पर कैसे मिला, मैंने लाइव प्रूफ वीडियो में विड्रॉल करके देखा है। यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ, इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन जो मैंने कमेंट सेक्शन बोला वहाँ से आप बिल्कुल लाइव देखेंगे कि मैंने जो लोन लिया है वो बैंक में ट्रांसफ़र किया है, सही है। तो वहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कॉल पे अगर यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इनके मोबाइल नंबर भी है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये डायल भी होता है, सुन लीजिए। वेलकम टू माय शुभ लाइफ, राइट, प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, हिंदी के लिए 2 दबाइए, लोन के लिए 1 दबाएं, म्यूचुअल फंड और बीमा के लिए 2 दबाएं, ईगो के लिए 3 दबाएं। देखिए लोन के लिए आवेदन कैसे करें यह जानने के लिए 1 दबाएं और अन्य प्रश्नों के लिए 2 दबाएं। देखिए कृपया माई शुभ लाइफ ऐप डाउनलोड करें और निःशुल्क क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट करने के लिए अपना विवरण सबमिट करें। Okay. लोन के आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं, पैन कार्ड। यहाँ पे 1x1 सभी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, जिस तरह से मैंने अभी यहाँ पे बात आपको सुना रहा था तो सभी चीज जान सकते हैं। यहाँ पे 2 टाइप्स के लोन मिलते हैं, अगर 3 to 10,000 मिलता है तो जिसमें बैंक के सेट में नहीं चाहिए, और अगर आपको 3,000 से अबव अगर आप जाते हैं मतलब मैक्सिमम आपको लोन मिल रहा है तो उसके लिए आपको बैंक के स्टेटमेंट भी चाहिए होगा, जो यहाँ से आप इनसे बात करके आप जान सकते हो। या जैसे कि मैं यहाँ पे बैंक जाता हूँ और इनके जो चैट सपोर्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 24/7, तो यहाँ पे भी आप जो है अपने हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ से चैट भी कर सकते हैं और आपको यहाँ से पता चल जाएगा।
आई होप गाइज कि जो भी कुछ बताया आपको समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन का नाम भी मैंने डिस्प्ले किया, तो पूछने की जरूरत नहीं है। अगर पूछना चाह रहे हो तो भाई कोई इसका मतलब नहीं है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिखाया हुआ है। कमेंट सेक्शन पिन कर लीजिएगा। 1.5 लाख रुपये तक लोन जो मैंने लाइव लिया है वो भी वहाँ पे प्रूफ के साथ वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बताया है, वो देख लीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक्स दिया है जो बेस्ट में बेस्ट एप्लीकेशन हैं, जहाँ पे इनकम प्रूफ भी लगेगा और विदाउट इनकम प्रूफ के भी लोन मिलेगा। बिना इनकम प्रूफ के लोन की अगर बात करें भैया, तो आपको कभी भी एक 20,000, 30,000 या 1 लाख ऐसे लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट नहीं ले रहा। सही है, अगर बैंक स्टेटमेंट दे रहे हो तो आपको बड़ा बजट का लोन मिलेगा। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जेन्युइन एप्लीकेशन, अदरवाइज आपके साथ भी फ्रॉड होगा, बैंक अकाउंट में पेमेंट आएगा नहीं और आप परेशान रहोगे और रीपेमेंट करने के लिए वो लोग आपको बोलेंगे। तो इन सारे एप्लीकेशनों से बचना है, ऐसे बिल्कुल ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें जिसका NBFC रजिस्टर्ड हो, लोगों की फीडबैक ठीक है, रेटिंग ठीक है, डाउनलोडिंग भी अच्छा खासा हो, तभी जाकर अपने फ़ोन के अंदर में उसे इंस्टॉल करना है, देन आपको अप्लाई करना है। बस आज की वीडियो में इतना ही।